हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो SBI म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड और ये फंड लॉन्च हुआ था 5th of July 1999 को। SBI कॉन्ट्रा फंड का डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। ये फंड मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन और मिस्टर मोहित जैन के द्वारा जॉइंटली मैनेज्ड है। मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन जी इस फंड को मई 2018 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ओवरऑल 22 years है। मिस्टर मोहित जैन इस फंड को नवंबर 2017 से मैनेज कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड के डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, जो कि एक हायर साइड पे है। तो चलिए अब इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर नजर डालते हैं। तो इस स्कीम का एम इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना है। ये करने के लिए वो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर, आपको यहाँ पे ये नोट करना चाहिए कि ऐसी कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि SBI कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों, ये अपने एसेट्स का मिनिमम ऑफ 65% उस कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट थीम को फॉलो करती है। फंड के पास अपने एसेट्स का अप टू 35% अदर इक्विटीज में, डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट थीम के विद इन स्टॉक्स को पिक करने के लिए टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन को यूज करता है। SBI कॉन्ट्रा फंड उन सेक्टर्स या कंपनीज को देखता है जो करेंटली आउट ऑफ फेवर हैं, बट ओवर टाइम बाउंस बैक एंड ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये फंड कुछ वक्त के लिए जो निग्लेक्टेड स्टॉक्स है ना, यानी कि जो टेम्परेरली निग्लेक्टेड स्टॉक्स है, उनको ढूंढता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स अच्छे होते हैं। ये अंडर ओन्ड सेक्टर्स पर भी फोकस करता है जो कि आउट ऑफ फेवर है लेकिन जिनमें टर्न अराउंड का एक बेहतर पोटेंशियल है। तो चलिए अब हम कॉन्ट्रा फंड्स के कैटेगरी मिक्स पे नजर डालते हैं। तो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रा फंड को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30th April 2023 स्कीम ने 88.86% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 37.47% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 19.98% मिड कैप स्टॉक्स में और 18.93% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और 1.33% फॉरेन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड के पास 8.43% का एलोकेशन डेट और 2.71% का एलोकेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में एलोकेटेड है। ये स्कीम इक्विटीज के टुवर्ड्स एक अच्छा एलोकेशन मेंटेन रखता है। हाउएवर, फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम चेंज हुई है। तो दोस्तों, साल 2021 के एंड पर फंड क्लोज टू 9.84% ऑफ इट्स एसेट्स कैश के फॉर्म में होल्ड कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि फंड ने क्लोज टू 90% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और फिर मार्च 2022 में ये जो कैश होल्डिंग्स है ना, ये डिक्रीज होकर के 6.9% पे चली गई। ये तब की बात है जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त की बात है। और हो सकता है फंड बीटन डाउन सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढ रहा हो। नेक्स्ट, फंड ने फर्दर कैश होल्डिंग्स रिड्यूस कर दी टू अंडर 2%, यानी कि 2% से कम जून 2022 ऑनवर्ड्स, और उसने अपना फोकस इक्विटीज पर मेंटेन रखा। फंड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी मेंटेन करके रखता है इक्विटीज की तरफ और इसने अपने कैश होल्डिंग्स को अप्रैल 2023 तक बिलो 2% मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए अब हम फंड के स्नैपशॉट को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,720.03 करोड़ रुपीस का है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट से एक साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड 1% है। वहीं अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट से एक साल के बाद एग्जिट करते हैं तो ये निल है एग्जिट लोड। ये बेंचमार्क है अगेंस्ट S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 2.75 है। इसका सोर्स है SBI म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट।
वेल यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि पीटीआर है वो एक ऐसा रेशियो है फ्रेंड्स जो कि मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिसपे फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बाय और सेल करते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के केस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 2.75 है। ये सजेस्ट करता है कि फंड मैनेजर एक एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं जब पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेंज करने की बात आती है तब। हाउएवर फंड का इक्विटी टर्नओवर रेशियो 0.35 है जो कि ये शो करता है कि फंड इसके इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो आइए अब हम कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी की बात करते हैं। नाउ कॉन्ट्रा फंड एक टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मार्केट की तरफ एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखते हैं। सिंपली कहें तो कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स अपनी बेट प्लेस करते हैं प्रिवेलिंग मार्केट मूवमेंट्स यानी कि जो अभी मार्केट मूवमेंट्स रन कर रहे हैं ना उसके ऑपोजिट उसके अगेंस्ट उसके कॉन्ट्ररी ये अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हो पर मार्केट उनको प्रेफर अभी ना कर रहा हो। ऐसा करने से जब इन स्टॉक्स के प्राइसेस में एक शार्प इंक्रीज आएगा ये लोग इससे बेनिफिट रखने की होप रखेंगे, दैट इज जब मार्केट इवेंचुअली इन्हें इन स्टॉक्स को नोटिस करेगा। इनका फोकस है उन कंपनीज के इक्विटीज में इन्वेस्ट करना जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और जब इन कंपनीज का करंट प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ये जो परसेप्शन रिजोल्व हो जाएगा नियर फ्यूचर में तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मर्स बन जाएगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही चीजें हैं जिसपे कॉन्ट्रा फंड बेट करता है। प्लीज आप इसे कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी कह सकते हैं या फिर आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच भी कह सकते हैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की। तो अब हम इसके पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। एज ऑफ 30th April 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 77 स्टॉक्स में स्प्रेड है। इसमें से टॉप 5 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं 13.5% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द फंड। दोस्तों ये शो करता है कि फंड वेल डाइवर्सिफाइड है। एज ऑफ April 2023 गेल इंडिया लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था। पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर 3.56% का था। अगर हम जनवरी 2013 में पोर्टफोलियो चेक करें तो टॉप फाइव होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ टोरेंट पावर जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक न्यू एडिशन था, और एज ऑफ April 2023 टेक महिंद्रा की होल्डिंग डिक्रीज हो गई और ये टॉप फाइव से बाहर हो गया। अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आप पाएंगे कि गेल इंडिया लिमिटेड और ICICI बैंक की होल्डिंग्स April 2022 से April 2023 के बीच थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हुई है पर ओवरऑल होल्डिंग्स सेम ही रही हैं। नेक्स्ट April 2022 से April 2023 तक HDFC बैंक की होल्डिंग्स 1.09% से इंक्रीज होकर के 2.51% हो गई 1 ईयर के पीरियड में। नेक्स्ट सिमिलरली एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा की होल्डिंग्स भी इंक्रीज हुई हैं। अप्रैल 2023 में 2.25% की होल्डिंग्स के साथ टोरेंट पावर लिमिटेड एक न्यू एंट्रेंट है। तो अब हम फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखें तो ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ April 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 19.07%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 9.85%, सोवरेन 8.42%, पावर 6.38% एंड कैपिटल गुड्स 5.56% पे रहे। अगर आप जनवरी 2023 के सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम ही थे। हाउएवर अगर आप जून 2022 के लिए सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे, और ये चेंज फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के द्वारा जस्टिफाइड भी है। तो अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह कैटेगराइज किया जाता है जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि फंड फोकस करता है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का जो कि अपने हाई रिस्क के लिए ऑफकोर्स जाने जाते हैं। दोस्तों एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज और रिस्क प्रेजेंट करता है पोस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स हैं वो वेरी कर सकते हैं यानी कि चेंज हो सकते हैं, और कोई भी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में उसके हाई रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले इसके रिस्क को एसेस करना ध्यान से बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे काफी हद तक रिस्क
कम यानी कि मिटिगेट किया जा सकता है। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। अगर आपने SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 4.14 लाख रुपीज मिल गए होते। स्कीम का जो परफॉर्मेंस है इसके इंसेप्शन से काफी अच्छा रहा है। इसने एक 15.27% का एनुअलाइज रिटर्न प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 44.45% दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है एटलीस्ट उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि जो फंड के रिटर्न्स हैं वो इसमें इन्वॉल्वड रिस्क यानी कि रिस्क इन्वॉल्वड इन द स्कीम को जस्टिफाई करते हैं। नाउ स्कीम का स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस पे नजर डाल लें। तो अब आप स्क्रीन पे SBI कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SBI कॉन्ट्रा फंड ने इसके इंसेप्शन से और तो और ओवर 1-3-5 ईयर्स एक डिसेंट मार्जिन से इसने इसके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि फंड ने इसके बेंचमार्क को शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों में ही बीट किया है। अगर हम 3 ईयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने इसके बेंचमार्क यानी कि S&P/BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के 25.5% के अगेंस्ट खुद एक CAGR ऑफ 40.38% जनरेट किया है जो सब्सटैंशियली ह्यूज डिफरेंस है। सिमिलरली ओवर 5 ईयर फंड ने इसके बेंचमार्क के CAGR ऑफ 11.38% के अगेंस्ट खुद एक CAGR ऑफ 14.67% जनरेट किया है जो शो करता है कि फंड लॉन्ग रन में इसके बेंचमार्क को कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर पा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम पीयर ग्रुप रैंकिंग की बात करने वाले हैं। अब हम एज ऑफ May 31, 2023 फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे उसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो अगर हम फंड के परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि स्कीम जो है वो ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। अगर हम रैंकिंग्स को कंपेयर करें तो जो फंड है वो एक टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है और ये रैंक्ड है नंबर 1 ओवर 1 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड में अगेंस्ट इट्स पीयर्स। बेसिकली ये इस पीरियड में अपने पीयर्स के अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मर रहा है एंड ओवर अ 3 ईयर पीरियड ये रैंक 2 अटेन कर पाया है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। गाइस हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देखते हुए रुक जाते हैं और सिर्फ इन नंबर्स के बेसिस पे ही हम अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ हमें फंड में इन्वॉल्व रिस्क और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क के एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझ लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5% है। सेकंड बीटा, ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। दोस्तों जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम वाले बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्कियर माना जाता है। तो इस फंड का बीटा 0.91 है जो बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। थर्ड क्रिटिकल रेशियो है शार्प रेशियो जो कि फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि फंड ने 2.08 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो SBI कॉन्ट्रा फंड का एक वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उन फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स का जो कि अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड सेक्टर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। ये फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में एबल रहा है और तो और अपने पीयर्स को भी शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में जो कि इसकी एबिलिटी दर्शाता है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर करने की। हाउएवर दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। SBI कॉन्ट्रा फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि एक एग्रेसिवली मैनेज्ड कॉन्ट्रा स्टाइल फंड ढूंढ रहे हो जो अक्रॉस मार्केट कैप्स डाइवर्सिफिकेशन भी ऑफर करता हो और जिन इन्वेस्टर्स का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज थम्स अप करना मत भूलेगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स।
Read all scheme-related documents carefully.